लास्ट क्लास में हम लोग एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को पढ़े, और उसके पिछले क्लास में लॉसेस के टाइप्स देखें और नेट पावर फ्लो डायग्राम देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसको समझिए, देखिए मान लीजिए कोई जनरेटर है, उसमें हम लोग इनपुट साफ पावर से दे रहे हैं और उसमें कुछ लॉसेस हो रहा है, और उसके बाद पावर आउटपुट हम लोग लोड को दे रहे हैं। जब हम लोग लोड को पावर आउटपुट देंगे उस समय आपके मशीन की कुछ एफिशिएंसी होगी, और जब लोड चेंज करेंगे, जब लोड हम कुछ और चेंज करेंगे तो एफिशिएंसी कुछ और वैरी करेगी। अलग-अलग लोड के लिए मशीन की एफिशिएंसी अलग-अलग होती है, क्योंकि करंट चेंज कर जाता है, करंट चेंज कर जाता है तो लॉसेस चेंज कर जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मशीन का जो आउटपुट रेंज है उस रेंज में हर लोड के लिए मशीन की एफिशिएंसी सेम रहती हो, ऐसा नहीं है। लोड चेंज होगा तो एफिशिएंसी भी चेंज होगी, ठीक है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो मोटर, चाहे कोई भी मशीन हो, ट्रांसफॉर्मर हो, डीसी मशीन हो, इंडक्शन मशीन, कोई भी हो, लोड चेंज होगा, एफिशिएंसी चेंज होगी। तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना इसलिए जरूरी है ताकि हमको वो लोड पता चल सके जिस लोड पे चलाने पे हमारा मशीन मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, मैक्सिमम एफिशिएंसी, सबसे अच्छी एफिशिएंसी। हो सकता है जैसे ट्रांसफॉर्मर की जनरली 95% से ऊपर होती है एफिशिएंसी। तो अगर एग्जैक्ट मान लीजिए किसी लोड के लिए आपको पता चल गया इस लोड के लिए या इतने इतना पावर हम आउटपुट देंगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, बाकी किसी और आउटपुट के लिए एफिशिएंसी कम होती है, उसके लिए मैक्सिमम है। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उसी लोड के लमसम या उतना ही आउटपुट दें या उसी के लमसम आउटपुट दें ताकि एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम। सुन पा रहे हो ना? तो यहां से हम लोग जो डिराइव करने जाएंगे वही कंडीशन डिराइव करने जा रहे हैं, वही लोड का कंडीशन डिराइव करने जा रहे हैं जिसके लिए कि आपका एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, ओके। तो हम लोग जरा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इसी में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली तीन तरह के लॉसेस होते हैं डीसी मशीन में, नो लोड रोटेशनल लॉस जिसके अंदर कोर लॉस है और रोटेशनल लॉस मैकेनिकल लॉस है, फिर आपको पता है सारी चीजें मैकेनिकल में फ्रिक्शन और बियरिंग है, ठीक है ना, ठीक है, फ्रिक्शन और विंडेज है, सॉरी। अच्छा, और दूसरा है ओमिक लॉस जिसमें कि आर्मेचर सर्किट ओमिक लॉस है और फील्ड ओमिक लॉस है। तीसरा है स्ट्रे लोड लॉस, और स्ट्रे लोड लॉस का परसेंटेज बहुत कम है, 1% के लगभग में। तो इसके कैलकुलेशन में, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के कैलकुलेशन में हम लोग उस स्ट्रे लोड लॉस को नेग्लिजिबल लेकर के चलेंगे, है ना, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है उसका। इसलिए तो देखिए, लेट लेट नो लोड रोटेशनल लॉस इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, ठीक है, एंड लेट, ओके ये तो है ही। नाउ आर्मेचर, इसका मैं आपको नोट्स भेजूंगा, अभी हम लोग यहां इसको समझ रहे हैं। आर्मेचर ओमिक लॉस इक्वल टू आईए स्क्वायर आरए, आरए में सब इंक्लूडेड है, ब्रश, आर्मेचर वाइंडिंग, इंटरपोलर वाइंडिंग, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, आर्मेचर ओमिक लॉस ये हो गया, और फील्ड ओमिक लॉस वीएफ इनटू आईएफ, फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज इनटू फील्ड वाइंडिंग से करंट, लिख सकते हैं सर। अब देखिए आपको पता है कि नो लोड रोटेशनल लॉस और फील्ड ओमिक लॉस ये दोनों मिलकर के क्या होता है, कांस्टेंट लॉस, ऑलमोस्ट कांस्टेंट लॉस, और आर्मेचर ओमिक लॉस और स्ट्रे लोड लॉस ये दोनों मिलकर के क्या होता है, वेरिएबल लॉस होता है, ठीक है। तो टोटल लॉसेस, देयरफॉर टोटल लॉस इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस वी एफ आई एफ, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में लॉस, तो उसको हम लोग आई एफ स्क्वायर आर एफ भी लिख सकते हैं या वी एफ इंटू आई एफ भी लिख सकते हैं। या आई एफ स्क्वायर आर एफ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि
अलग वाइंडिंग का अपना अलग अलग आर्मेचर वाइंडिंग सॉरी संट संट फील्ड वाइंडिंग का आरएफ होता है, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। तो इसमें जनरली एक ले लिया गया कि भाई चाहे संट हो सीरीज हो कोई भी हो, लॉस तो यही होगा वीएफ इनटू आईएफ। ठीक है, तो ये टोटल लॉस है। अब हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है, बताइए। पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट। अगर इस फॉर्मूला को हम इनपुट के टर्म्स में ही लिखना चाहें, सिर्फ इनपुट के टर्म्स में लिखना चाहें, तो नीचे तो इनपुट है ही ऊपर आउटपुट है, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इनपुट माइनस लॉस। पावर इनपुट, इनपुट पावर में से लॉस को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, पावर आउटपुट। तो एफिशिएंसी को इनपुट पावर के टर्म्स में भी ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर हम चाहें कि आउटपुट के टर्म्स में लिखें तो ऊपर तो आउटपुट है ही तो ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे जो इनपुट है इसको क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉस। आउटपुट में लॉस को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, इनपुट पावर। ओके ना। अब आइए, देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ ए जनरेटर, जनरेटर की एफिशिएंसी क्या होगी। देखिए, जनरेटर का जो इनपुट पावर है वो तो शाफ्ट पावर है, मैकेनिकल पावर है, उसके बारे में डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, जो उसका आउटपुट पावर है जनरेटर का, उसका इलेक्ट्रिकल डाटा तो आपको पता है। जनरेटर के आउटपुट डाटा, जनरेटर कितना पावर आउटपुट देता है, जनरेटर पावर आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज इनटू लोड करंट, चाहे कोई भी मशीन हो, संट हो सीरीज हो कोई भी हो, ये टर्मिनल वोल्टेज ये है ना, ये आपका लोड करंट, अगर सीरीज मशीन है तो यहाँ पर होगा आर ए सी और यहाँ पे आर ए, और फिर आपका मोटर संट होगा तो यही चीज पैरेलल में, कंपाउंड होगा तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, लेकिन आउटपुट पावर क्या होगा, वी टी इंटू आई। तो जनरेटर के केस में हमको आउटपुट पावर इलेक्ट्रिकल टर्म्स में पता है, वी टी इंटू आई एल। तो जनरेटर के लिए जो हम लोग एफिशिएंसी लिखेंगे वो आउटपुट पावर के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो पावर आउटपुट कितना है, VT into IL divided by power output कितना है, VT into IL plus losses, तो losses ये पूरा है, W naught plus IA square RA plus VF IF। ओके ना, तो ये हो गया जनरेटर के एफिशिएंसी का फॉर्मूला। सिमिलरली मोटर के एफिशिएंसी का, तो मोटर में कौन सा डाटा आपको इलेक्ट्रिकल पता है, इनपुट। मोटर में अगर ये मोटर है तो आपको इनपुट पता है, इनपुट क्या होता है, वीटी इंटू आई। इनपुट क्या है, वीटी इंटू आई, और आउटपुट क्या मिलता है हम लोग को, शाफ्ट का पावर मोटर में। तो यहाँ इनपुट पता है वीटी इंटू आई, तो इसके मोटर के केस में जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे वो इनपुट के टर्म्स में लिखेंगे, ये वाला इनपुट माइनस लॉस। तो इनपुट कितना है, वीटी इंटू आई माइनस लॉस, मतलब डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी एफ आई एफ अपॉन इनपुट कितना है, वी टी आई, करेक्ट ना। ठीक है, तो ये जनरेटर की एफिशिएंसी, मोटर की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का तो ये फॉर्मूला है, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आप सोचिए कि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं, मतलब कि एफिशिएंसी वैरी कब होती है, जब लोड चेंज करता है, और लोड चेंज करता है मतलब लोड करंट चेंज करता है, करंट चेंज करता है, आइए है ना। अगर जनरेटर हो यहां पर, अगर आप लोड चेंज करेंगे तो आईएल चेंज होगा। ठीक है, मोटर हो यहां पे लोड चेंज करेंगे तो भी, आप जब हैवी लोड लगता है मोटर पे तो लार्ज करंट खींचता है सप्लाई से। तो एफिशिएंसी जो हम लोग को डिराइव करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन लगाना है, तो मैक्सिमम मिनिमा का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होगा मैथ से, कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड के चेंज होने से क्या चीज चेंज होगी, आईएल। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आईएल, उसको इक्वेट करेंगे जीरो से, और वहां से वो कंडीशन निकलेगा। तो आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, हम इसके लिए निकाल रहे हैं, जो कंडीशन इससे आएगा वही कंडीशन इससे आएगा। तो ये निकालना तो आपको अपने मतलब घर पे निकालेंगे आप, जहां पर है वहां,
इसको हम अभी यहां पे प्रूफ करेंगे, और एग्जाम के लिए कोई एक प्रूफ कर देना काफी है, लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर मोटर दिस कंडीशन अप्लाइज। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या कंडीशन है। ठीक है, देखिए जनरेटर की एफिशिएंसी को हम लोग ये लिख सकते हैं Vt into IL अपॉन ये लिख सकते हैं। अब जरा इसमें एक और पॉइंट जरा देखिए, ये एक सीरीज मशीन है, जनरेटर है, सीरीज जनरेटर। यहां पर यहां जो करंट होगा वो आर्मेचर करंट होगा और जो लोड को मिलेगा वो लोड करंट होगा। तो चूंकि सीरीज में है इसलिए सीरीज मशीन के लिए तो IL इक्वल टू IA होता ही है। ठीक है, आइए संट में, संट में ये है आपका ये IA है, ये IL है, ये IF है। संट मशीन में आप जानते हैं कि हम लोग संट के फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस को ज्यादा रखते हैं ताकि इसमें करंट कम जाए और लॉसेस कम हो। यानी कि संट में भी हम ये कह सकते हैं कि IA इक्वल टू IL, दैट इज वो मतलब सही नहीं है ये, है ना, क्योंकि कुछ पार्ट IF का है लेकिन चूंकि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हाई है इसलिए ये IF जो इसमें आएगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू IL या IA, इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत कम होगा। इसलिए एक जनरलाइज लिया जा सकता है कि IL इक्वल टू IA यहां भी संट में, सीरीज में तो होता ही, संट में ऐसा ले सकते हैं क्योंकि IF विल बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू IL और IA, और सिमिलरली फॉर कंपाउंड, कंपाउंड के लिए भी वही बात है, IF यहां पर होगा पैरेलल और IA ये है, IA भी है। तो इस डेरिवेशन के लिए हम लोगों ने दो एजम्पशन लिया, एक तो एजम्पशन ये लिया कि स्ट्रेन लोड लॉस को नेग्लिजिबल लिया और दूसरा एजम्पशन ये लिया है कि फील्ड करंट इन कंपैरिजन टू लोड करंट इज वेरी स्मॉल, दस IL इक्वल टू IA हर मशीन के लिए, है ना। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो निश्चित तौर पे वेरी मच एक्यूरेट नहीं है लेकिन हमारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो दो एजम्पशंस है, यानी कि IL को IA हम मान सकते हैं और मान रहे हैं। तो अगर हम IL को IA मान लेंगे तो ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां IA है वहां वहां IL हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू Vt into IL upon Vt into IL plus W naught plus IL square RA plus IF VF, since IL equal to IF for most cases या approximately equal to equivalent to IA। ठीक है, now for maximum efficiency d eta जो भी है divided by differentiation of efficiency with respect to IL equal to 0, इसको differentiate करेंगे IL के respect में और equate करेंगे 0 से, वहां से value आएगी। ठीक है, तो this implies that d efficiency generator by DIL करेंगे ये, तो डिवीजन रूल लगेगा ना इसमें, तो VT into IL plus W naught plus IL square RA plus IF VF into VT, क्यों, क्योंकि this into इसका differentiation minus VT into माइनस वी टी आई एल इंटू दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो वी टी हो गया माइनस दिस इंटू इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो ये वी टी आई एल क्या हो जाएगा, वी टी डब्ल्यू नॉट का जीरो आई एल स्क्वायर आर ए का क्या हो जाएगा प्लस टू आई एल आर ए और इसका क्या हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, IL के रिस्पेक्ट में ये भी कांस्टेंट है, तो जीरो, और डिवाइडेड बाय क्या होता है इस पूरे का स्क्वायर, तो VT IL प्लस लॉसेस या लिख लेते हैं W नॉट प्लस
प्लस आई एल स्क्वायर आर ए प्लस आई एल पी एफ का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेट करना है जीरो से, ये इधर चला जाएगा ठीक है। अब ऊपर थोड़ा मिटा के लिखते हैं इसको और देखते हैं कि क्या कंडीशन आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी का। ओके तो देखिए, तो दिस इंप्लाइज दैट है ना, ये इधर चला गया और ये इसको हम उधर कर रहे हैं, तो ये वी टी इंटू वी टी क्या हो जाएगा, ये वी टी स्क्वायर आई एल, ठीक है, वी टी स्क्वायर आई एल प्लस डब्ल्यू नॉट वी टी, ठीक है, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा वी टी आई एल स्क्वायर आर ए और प्लस वी टी आई एफ वी एफ इक्वल टू, ये इधर जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वी टी स्क्वायर आई एल प्लस, ये से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा टू वी टी आई एल स्क्वायर आर ए, ठीक है। तो वी टी स्क्वायर आई एल से वी टी स्क्वायर आई एल कैंसिल हो गया और यहां वी टी स्क्वायर वी टी आई एल स्क्वायर आर ए है, यहां टू है, इसको उधर लिख जाते हैं, तो यहां बच जाएगा आपको W नॉट वी टी प्लस वी टी इंटू आई एफ इंटू वी एफ इक्वल टू, ये एक उधर जाएगा टू वी टी इंटू आई एल स्क्वायर आर ए माइनस वी टी इंटू आई एल स्क्वायर आर ए, या इन दोनों से वी टी कॉमन ले लीजिए तो वी टी इंटू डब्ल्यू नॉट प्लस आई एफ इंटू वी एफ इक्वल टू वी टी इंटू आई एल स्क्वायर आर ए, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, देखिए फाइनल रिजल्ट आपका ये है डब्ल्यू नॉट प्लस वी एफ आई एफ इक्वल टू आई एल स्क्वायर आर ए इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए, ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। डब्ल्यू नॉट प्लस वी एफ आई एफ इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए, और डब्ल्यू नॉट है नो लोड रोटेशनल लॉस और वी एफ आई एफ है फील्ड ओमिक लॉस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या, कॉन्स्टेंट लॉसेस इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए, ये क्या है वेरिएबल लॉस। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब जिस लोड के लिए कॉन्स्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के इक्वल होगा बराबर होगा, उस लोड पे अगर हम मशीन को चलाएंगे तो मशीन की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ये कांस्टेंट लॉस कैसे निकलता है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन में 6M में एसबीटी के हिसाब से, जब टेस्टिंग ऑफ मशीन्स में आप इस चीज को पढ़िएगा कि कांस्टेंट लॉसेस कैसे निकलते हैं, मतलब कि कांस्टेंट लॉसेस जो भी है मशीन का, हमने लोड ऐसा लगाया ताकि जो आई स्क्वायर आर ए लॉस हो रहा है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर है, तो उस लोड के लिए एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उससे कम लोड के लिए भी एफिशिएंसी कम होगी और उससे हाई लोड के लिए भी एफिशिएंसी कम होगी। बात समझ में आ रही है, तो यानी कि इसका एक ग्राफ भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का है, ये ग्राफ एफिशिएंसी क्या है और ये है लोड का, और ये जो पॉइंट है ये एक ऐसा लोड है जहां पर की कॉन्स्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ही है मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन और इसको हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स नोट्स में मैं भेजूंगा, उसको आप बनाएंगे, फिलहाल अब यहां पर आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन है कि संट जनरेटर डिलीवर्स 195 एम्पीयर एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट, एक संट जनरेटर है जो कि सप्लाई करता है 195 एम्पीयर एट 250 वोल्ट,
यानी कि VT कितना है 250 वोल्ट और IL कितना है 195 एम्पीयर. VT इक्वल टू 250 वोल्ट एंड IL इक्वल टू 195 एम्पीयर. ठीक है, फुल स्टॉप. द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंसेस आर, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.02 ओम और शंट फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम. ओके, फुल स्टॉप. द आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आर 950 वाट. मतलब कि नो लोड रोटेशनल लॉस W नॉट, आयरन एंड फ्रिक्शन, कोर प्लस फ्रिक्शन लॉस, ये है आपको 950 वाट. ओके, फाइंड, पता क्या करना है, पहला आपको पता करना है ईएमएफ जनरेटेड ईए इक्वल टू व्हाट, सेकंड आपको पता करना है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कितना हुआ, कॉपर लॉस मतलब आर्मेचर ओमिक लॉस प्लस फील्ड ओमिक लॉस, और तीसरी चीज आपको पता करनी है प्राइम मूवर का आउटपुट यानी शाफ्ट इनपुट कितना है, आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर. ठीक है, और लास्ट जो है वो आपको पता करना है ऑल टाइप ऑफ एफिशिएंसी. अच्छा, इसमें एक चीज जो रह गया ऑल टाइप ऑफ एफिशिएंसी में क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है. देखिए, एक होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल जैसे हम लोग पढ़े थे ना पावर सिस्टम में, उसी तरह का है मैकेनिकल. जैसे मान लीजिए जनरेटर है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी कि आपने इनपुट पावर दिया और उससे कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेट हुआ. तो मैकेनिकल जो एफिशिएंसी, मैकेनिकल जो होगी जनरेटर के लिए वो क्या होगी, EAIA मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेटेड डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर, यही होगा. और एफिशिएंसी मैकेनिकल फॉर मोटर, मोटर के लिए क्या होगा, मैकेनिकल मोटर में क्या होता है, उल्टा होता है काम. हम इनपुट सप्लाई देते हैं, उसमें से लॉस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेटेड होता है, फिर उसमें से लॉस होता है तो शाफ्ट पावर आउटपुट मिलता है. ठीक है ना, तो आउटपुट बाय इनपुट होता है एफिशिएंसी. तो मोटर के लिए जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी वो इसी का रिवर्स होगा, PSH अपॉन EAIN. ओके, सेकंड होता है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी. तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जनरेटर के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी मतलब जनरेटर में क्या है, शाफ्ट पावर इनपुट आया, उसमें से कुछ लॉस हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेटेड मिला, फिर उसमें से कुछ लॉस हुआ तो हमको पावर आउटपुट मिला. तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जनरेटर क्या होगा, पावर आउटपुट VT IL अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेटेड मतलब EA IE. और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी फॉर मोटर क्या होगा, मोटर में हम इनपुट पावर देते हैं VT IL, उसमें से कुछ लॉस होता है तब मिलता है EA IE. तो यहां पर क्या होगा, EA IA उल्टा VT into IL. ठीक है, और थर्ड होता है ओवरऑल एफिशिएंसी, जो कि आपको पता है क्या होता है, मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल. ये मैं नोट्स में भेजूंगा. ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी. ओके ना, तो ये तीन एफिशिएंसी है, ये तीनों एफिशिएंसी आपको निकालने के लिए बोला है. आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से. तो देखिए, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से बना सकते हैं और उसके बाद फिर कॉपी कर, मतलब चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही बना है कि नहीं. हमारा तो आइए, इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि ये निकालने के लिए, ठीक है, तो ये, तो ये निकालने के लिए, तो ये तो जनरेटर है, तो ये तो इसके इक्वेशन से ही निकल जाएगा. तो पहला निकालते हैं ई ए, तो ई ए जनरेटर है ना, तो ई ए विल बी इक्वल टू, ये क्या हुआ, शंट जनरेटर है. ठीक है, तो ये होगा VT टर्मिनल वोल्टेज प्लस लॉसेस, तो VT प्लस IA RA, यही होगा, ये सिंपल है ना, क्योंकि ये में क्या होगा, जो यहां मिला प्लस यहां लॉस, या VT क्या होगा, दिस में माइनस दिस, ब्रश का कोई जिक्र नहीं है, तो VT प्लस IA RA. तो VT आपको पता है 250, RA आपको पता है, IA नहीं पता है, तो IA पता चल जाएगा. IL आपको पता है 195 और यहाँ का वोल्टेज आपको पता है पूरा का पूरा 250 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस पता है,
तो IF या ISH will be equal to 250 divided by RSH यानी कि 50, तो ये हो गया 5 एम्पीयर, तो इधर 5 एम्पीयर, तो therefore IA क्या हो जाएगा 195 plus 5 equal to 200 एम्पीयर, तो therefore EA will be equal to VT यानी 250 plus 200 into 0.02, तो 250 ये 200 कट जाए 4 हो जाएगा, तो 254 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो ए तो निकल गया भैया। बी कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस क्या होगा, पी कॉपर, इसमें जो लॉस होगा आई ए स्क्वायर आर ए प्लस इसमें जो लॉस होगा आई एफ स्क्वायर आर एफ या वी एफ आई एफ, तो इसको क्या कर सकते हैं बताओ, 200 स्क्वायर इंटू 0.02, आइए पता चल चुका है 200 स्क्वायर इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.02 प्लस फील्ड वाइंडिंग का करंट कितना है 5 स्क्वायर इंटू आरएफ, आरएफ कितना है या आरएसएच कितना है 50, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा लगभग 2050 वाट। ठीक है, देखिए यहां भी आप देख सकते हैं 195 है लोड करंट और 5 एम्पीयर है फील्ड करंट, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग एफिशिएंसी वाले में इसको नेग्लिजिबल भी मान लेते थे। ओके ना, तो बी कॉपर लॉस निकल गया 2050, आप करके देखिएगा ये आना चाहिए। ठीक है, सी सी पार्ट में आते हैं जिसमें कि पूछ रहा है आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर। तो देखिए आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर, जनरेटर का आपको पावर फ्लो डायग्राम याद होगा, यहां से पावर इनपुट मिलता है शाफ्ट से और यही पूछ रहा है आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर, प्राइम मूवर कितना पावर दे रहा है, और यहां से आगे जाने पर सबसे पहले हो जाता है नो लोड रोटेशनल लॉस डब्ल्यू नॉट, फिर इसमें स्ट्रे लोड लॉस भी लेते हैं तो वो तो इसमें दिया ही हुआ नहीं तो उसको भूल जाइए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो पावर मिलता है वो होता है ई ए आई ए, फिर उसमें से हम लोग कॉपर लॉस निकालते हैं, कॉपर लॉस जिसमें कि फील्ड ओमिक लॉस और ये भी है, और तब मिलता है आउटपुट पावर वीटी आईएल। आपको वीटी आप चाहें तो डायरेक्टली ईए आईए निकाल के उसमें अगर डब्ल्यू नॉट जो दिया हुआ है उसको ऐड कर दे तो भी पावर इनपुट मिल सकता है, या आप वीटी आईएल निकालिए उसमें इस कॉपर लॉस को जोड़िए और फिर डब्ल्यू नॉट को जोड़िए, ये इसमें कॉपर लॉस को जोड़े प्लस डब्ल्यू नॉट को जोड़े तो भी ये मिल जाएगा, समझ आ रही है बात, या आप ई ए आई ए निकाल लीजिए, ई ए भी आपको पता चल चुका है 254, ई ए आई ए जो यहाँ का पावर है और उसमें डब्ल्यू नॉट को ऐड करेंगे तो भी ये मिल जाएगा ना, बोलो, और वी टी आई एल इसमें भी अगर हम इस कॉपर लॉस को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा ई ए आई ए, और इसमें फिर डब्ल्यू नॉट को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा पावर इनपुट, बात समझ आ रही है, यहां से 100 रुपया चला 5 रुपया ये ले लिया इधर चला गया पॉकेट में से गिर गया, यहाँ क्या बचा 95, यहाँ से 5 रुपये और गिर गया यहाँ क्या बचा 90। ठीक है, तो 90 ये प्लस 5 करेंगे तो यहाँ 95, फिर प्लस 5 करेंगे तो नेट, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखिए सी पार्ट बनाते हैं ऊपर, तो पावर इनपुट या पावर आउटपुट फ्रॉम प्राइम मूवर विल बी इक्वल टू ईए आईए प्लस डब्ल्यू नॉट, और ई ए आई ए कितना है, ये कितना है आपका 254, 254 इंटू आई ए कितना है 200 प्लस डब्ल्यू नॉट कितना है 950, तो इसको जरा सॉल्व करें जल्दी से और देखिए कितना आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर आपको आएगा 254 इंटू 200, ओके ना, प्लस 950, 51,750 वाट। ठीक है, ये आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वी टी आई एल, वी टी इंटू आई एल कितना है 250 इंटू 195, ठीक है, प्लस कॉपर लॉस कितना है 2050 प्लस 950, 51,750, तो दोनों से ही आपको सेम आंसर आ गया। ओके, अब आते हैं अलग अलग टाइप के एफिशिएंसी पर, सबसे पहला है मैकेनिकल एफिशिएंसी, जनरेटर है मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ ई ए आई ए
अपॉन इनपुट पावर, शाफ्ट पावर इनपुट, तो ये आइए होगा आपको 254 इनटू 200 और डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर इनपुट कितना आया, 51,750। तो इसको आपने कैलकुलेट किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बता रहा हूँ कितना आएगा, 254 इनटू 200 डिवाइडेड बाय आंसर, यह आ जाएगा 98.16%। ओके सही है, 98.16%, इसको इनटू 100 कर लेना। ओके इनटू 100 इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर हम लोग निकालें इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल VTIL अपॉन EAIA, तो VTIL क्या होगा, 250 इनटू 195 अपॉन 254 इनटू 200। तो इसको अगर आप करेंगे तो मेरे पास जो आंसर है उसे आपका मैच होना चाहिए 95.96 है सर। एक मिनट, 250 इनटू 195 डिवाइडेड बाय 254 इनटू 200, तो ये 95.96%। ओके और लास्ट जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, आप इन दोनों को डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सीधे हम लोग करेंगे VTIL अपॉन PSH, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 195 इनटू 250 डिवाइडेड बाय 51,750, तो 195 इनटू 250 डिवाइडेड बाय 51,750, 94.2%, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप आते हैं एग्जाम में, कुछ भी नहीं है, बस सोचना है ये मोटर रहता तो क्या होता, पावर फ्लो डायग्राम को दिमाग में रख करके बनाना है। इसके अलावा 4 क्वेश्चन और नोट्स में आपको भेज रहे हैं, उन सबको बनाइए। लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं, उनको ध्यान से बनाइएगा। क्लास अगले क्लास में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्यूटेशन। ओके तो कॉम्यूटेशन है, उसका आर्मेचर रिएक्शन है और उसका डीसी मोटर आपका स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, जो प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं उनको आप बनाइए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।